नमस्कार, स्टोरी कार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक लोक कथा है। कहानी का शीर्षक है पंछी बोला चार पहर। पुराने समय की बात है, एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं न देख, ऐसा कहूं न देख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और चौथा पहर शुरू होते ही वह कहता, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता कि यह पक्षी कहता क्या है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ती जाती थी। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुतेरा सोचता पर उसे कोई जवाब नहीं सोचता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, बस इसी उधेड़बुन में लगा हुआ हूं। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी तो सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पैरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन सा कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ, चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बातें सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए एक पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर में पक्षी ने कहा, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडिताइन सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज सुन रही हूँ, वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी। पंडिताइन ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो, 20 भुजा 10 शीश, माता ओकी जा कहे, किसमुख दूध पिलाऊं, किसमुख दूध पिलाऊं। अर्थात लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरे पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूं न देख, ऐसा कहूं न देख। राजा ने फिर पूछा, पंडिताइन इसका क्या अर्थ है। पंडिताइन ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जम्ब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसा कहूं न देख, ऐसा कहूं न देख। अर्थात चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान लो, पर बिना चिंता का आदमी कहीं नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है, कहिए महाराज सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साठे दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। अर्थात 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दिया गया तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी ना कि अब हम करबू का, अब हम करबू का, सही है ना महाराज। राजा ने खुश होकर कहा, पंडिताइन तुम्हारी यह बात भी बिल्कुल सही है।
चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, सुनो पंडिताइन, पक्षी जो कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा था कि पक्षी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है, जो विश्वास संगत जो करो जो करें, सुरा मांस जो खाएं, बिना सप्रे भोजन करें, वह सब बम्मन मर जाएं, वह सब बम्मन मर जाएं। अर्थात जो ब्राह्मणी वेश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब बोलिए, अब बोलिए महाराज, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाव रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। और राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ढेरों कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।